देखना बच्चा, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि कई बार बिजनेस पार्टनर को लोन देता है। इस बार बिजनेस पार्टनर से लोन ले नहीं रहा, पार्टनर को दे रहा है। दे रहा है तो बिजनेस से कैश आएगा, ठीक है, और ये पैसे पार्टनर ने बिजनेस को वापस करने हैं क्योंकि ये बिजनेस ने पार्टनर को दिए हैं, तो ये पैसे बिजनेस को वापस मिल जाने हैं, तो ये बिजनेस की क्या है, असेट। इस बार पार्टनर बिजनेस से लोन ले रहा है, ठीक है, मतलब बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है, तो ये पैसे बिजनेस को वापस मिल जाने हैं पार्टनर से, तो ये बिजनेस की क्या है, असेट, इसलिए डेबिट हुई है। उसके बाद बताओ, जब बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर बिजनेस क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। तो इसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस बार ये इंटरेस्ट बिजनेस को देना नहीं पड़ रहा, बिजनेस को मिल रहा है, मिल रहा है, तो ये बिजनेस की क्या हुई, इनकम। एंड इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड, इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड, ठीक है। लेकिन बिजनेस ये इंटरेस्ट पार्टनर से कैश नहीं मंगाता, पार्टनर के अकाउंट से ही काट लेता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से काट लेता है, अकाउंट से काटेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, ठीक है, इंटरेस्ट वाला ये वाली चीज। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट है ये बिजनेस की इनकम है, लेकिन ऑनर से रिलेटेड नहीं है, आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड है, तो आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आते, पार्टनर सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो ये इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इंटरेस्ट क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, और कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस टॉपिक के लिए आप तो एक तो लोन देने की एंट्री आनी चाहिए, प्लस इंटरेस्ट रिसीव करना बिजनेस की इनकम है, और ये कहां से कट लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, प्लस ये ऑनर से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, दैट्स व्हाई ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है मैंने बताया था कि एट द एंड ऑफ ईयर ऑल एक्सपेंडिचर एंड ऑल इनकम ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड होते हैं वो एक्सपेंस और इनकम तो चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो ऑनर से रिलेटेड मैंने बताया है वो सिर्फ थ्री एक्सपेंस हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सिर्फ एप्रोप्रिएशन में आते हैं, बाकी आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड सारा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। लेकिन बच्चे, अभी जो मैंने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6%, बच्चे वो इंटरेस्ट ऑन लोन था जो बिजनेस ने पार्टनर से लिया था, उसकी एब्सेंस में तो रेट डिसाइडेड है 6%, लेकिन जो लोन बिजनेस ने पार्टनर को दिया है, अगर क्वेश्चन में उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है, जो इंटरेस्ट बिजनेस रिसीव कर रहा है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने ऐसी कोई रेट नहीं बताई कि अगर क्वेश्चन में नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कोई इंटरेस्ट बिजनेस क्या नहीं करेगा, चार्ज नहीं करेगा। जबकि आपको पता है जब बिजनेस पार्टनर से लोन लेता है तो बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो अगर क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है तो 6% की रेट से देना पड़ता है, लेकिन अगर बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने एग्रीमेंट की एब्सेंस में कोई रेट नहीं बताई कि आप इसके अकॉर्डिंग सम सॉल्व कर लो। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, लेकिन अगर बिजनेस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, क्वेश्चन में अगर उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड है तो उस रेट से ले लेगा बिजनेस, रेट डिसाइडेड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि कोई रेट ही नहीं बताई गई है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखना बच्चे, एक सम में इससे इसके अकॉर्डिंग आपको करा रही हूं कि नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताया है इससे रिलेटेड, देखना बच्चा ध्यान से।
देखना बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन एक बारी। आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट 18th। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल वर 5 लाख एंड 3 लाख। ए वॉज इन नीड ऑफ फंड्स, फंड्स मतलब फाइनेंस। ए को जरूरत थी फाइनेंस की एंड हेंस टुक अ लोन 1 लाख फ्रॉम फर्म। उसने फर्म से लोन लिया है, फर्म को दिया नहीं है, फर्म से लिया है। ऑन 1 जुलाई 2018 एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 12%। देखो इंटरेस्ट की रेट कितनी है 12। अगर क्वेश्चन में रेट ना होती तो हम नहीं चार्ज करते। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹150। इस साल का प्रॉफिट कितना गिवन है 150। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन से पहले वाला प्रॉफिट है। पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट, किसकी एंट्री करो, इंटरेस्ट की, सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करनी, एंट्री सारी नहीं करनी। एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 18 है, तो देखना एक बारी मैं इसको कैसे सॉल्व करती हूँ। क्या क्या चीज पूछी है उसने, एक तो सिर्फ इंटरेस्ट से रिगार्डिंग एंट्री करनी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमने। ठीक है, तो देखना बच्चा ध्यान से एक बारी। बच्चे आपके पास क्वेश्चन में एक तो उसने जनरल एंट्रीज करने को बोली है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी भी क्वेश्चन में आपको कहे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो एप्रोप्रिएशन तो बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस या इनकम है तो उससे पहले आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखना एक बार ध्यान से, एक तो आपको बनाना है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल अकाउंट को पूरा करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, और साथ में आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग लिख लेना। उसके बाद एक चीज और बनाने को बोली थी उसने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखना हमारे पास कितने पार्टनर है बच्चे, ए और बी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, ए बी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, स्टार्टिंग से देखना एक बारी। ए एंड बी आर पार्टनर, जिस चीज की एंट्री उसने पूछी है वो मैं दो एंट्री पास कर दूंगी, बाकी पूछा उसने कैपिटल अकाउंट है, लेकिन कैपिटल अकाउंट को प्रॉफिट पूरा करने के लिए मुझे डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसफर होता है, इसको पूरा करने के लिए मुझे ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मुझे ये तीनों अकाउंट बनाने पड़ रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है उसने। ठीक है, तो देखो एक बारी ध्यान से बच्चा, सबसे पहले मैं लैंग्वेज पढ़ रही हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल वर 5 लाख एंड 3 लाख। 1 अप्रैल की जो कैपिटल गिवन है, कहीं नहीं लिखा बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो ये कैपिटल के बैलेंस है 1 अप्रैल के। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल 5 लाख है, बी की कैपिटल बचे 3 लाख है। तो ये आपके पास कैपिटल का बैलेंस गिवन है मेरे पास 5 लाख एंड 3 लाख। ठीक है बच्चे, आगे चलो। उसके बाद कह रहा है ए वॉज इन नीड ऑफ फंड्स एंड हैंस टुक अ लोन। ए को फंड की जरूरत थी, हैंस टुक अ लोन 1 लाख फ्रॉम फर्म। उसने फर्म से लोन लिया, लेकिन कौन सी डेट पे, 1 जुलाई 2018।
आपके पास ये स्टार्टिंग थी 1 अप्रैल, कैपिटल की डेट गिवन नहीं होती तो स्टार्टिंग की डेट की होती है कैपिटल, लेकिन लोन लिया 1 जुलाई को, ठीक है, तो लोन देने की एंट्री, फर्म ने लोन दिया तो इसकी एंट्री बचे मेरे पास होती है, बिजनेस से कैश जाएगा और किसको लोन दिया है, ए को, लोन लिया नहीं है, लोन दिया इसलिए बिजनेस की असेट है, लेकिन उसे लोन देने की एंट्री नहीं पूछी तो मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन लोन देने की एंट्री यही होती है। आगे चलो, और मेरा इस लोन लेने का इस पे अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 12%, ठीक है, इसकी एंट्री करनी है। और ध्यान रखना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है हमेशा एट द एंड ऑफ ईयर, तो एट द एंड ऑफ ईयर सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, तो आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट है बच्चे 150 गिवन है, तो मैं यहां पे प्रॉफिट लिख रही हूं बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 150। अगर मेरे पास कोई आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड एक्सपेंस है या इनकम है वो लिखनी पड़ेगी। इस बार बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है और लोन एज ए ऑनर नहीं दिया, एज अ आउटसाइड पार्टी को जैसे लोन देते हैं उससे रिलेटेड ही पार्टनर को दिया है, तो इस टाइम बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो ये बिजनेस की इनकम है। तो मुझे बताओ लोन कितना दिया है पार्टनर ने, 1 लाख दिया है, 1 लाख, और इंटरेस्ट की रेट कितनी है 12%, लेकिन 12% है पर एनम, मतलब ये रेट साल का इंटरेस्ट निकालती है, लेकिन लोन दिया था जुलाई पे, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है एट द एंड ऑफ ईयर, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा बच्चे वो कितने मंथ्स का होगा, 9 मंथ्स का, ठीक है, तो आपके पास ये कैलकुलेशन निकल के आई बच्चे 9000, ठीक है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ये निकल के आई है आपके पास, तो इंटरेस्ट उसने सिर्फ क्वेश्चन में पूछा था इंटरेस्ट की एंट्री करो, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो हो रही है वो एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2019, तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ये तो बिजनेस की इनकम है, लेकिन बिजनेस पार्टनर से कैश नहीं मंगाता, ये इंटरेस्ट उसके अकाउंट से काटता है, अकाउंट से काटेंगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, और डिक्रीज में डेबिट, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जो एंट्री होगी वो ये होगी बच्चे, ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्लियर, तो ये इसका इफेक्ट जाएगा बच्चे एज कैपिटल के डेबिट में 9000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस की इनकम है और ये आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड है, इसलिए ये यहां ना आके एप्रोप्रिएशन में ना आके कहां पे आएगी, प्रॉफिट है लॉस, तो ये ट्रांसफर की एंट्री, तो इंटरेस्ट क्रेडिट है डिक्रीज पे डेबिट, और कहां ट्रांसफर करेंगे बच्चे इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में 9000 बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ठीक है, वैसे हो गया। उसके बाद आपको पता है क्वेश्चन में और कोई चीज गिवन ही नहीं है, बस ये 2 एंट्री होनी थी, उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करोगे 159, तो आपको पता है ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये प्रॉफिट यहां आ जाएगा 159, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल है लेकिन कैपिटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो दे नहीं सकते, ना सैलरी है ना कमीशन है ना ड्रॉइंग है जिसके ऊपर इंटरेस्ट, तो आपके पास अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 159, तो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट यही आया क्योंकि कुछ एक्सपेंस थे ही नहीं, तो ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसके कैपिटल अकाउंट बचे, ए और बी, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास रेशियो है 3:2, तो 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना बच्चे, ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना 95,400 आ रहा है और दूसरा आ रहा है 63,600, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ये एंट्री ट्रांसफर की बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी, तो ए और बी के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
ठीक है, तो 95,463,600। उसके बाद इस अकाउंट को क्या कर देना, क्लोज, टोटल करना, टोटल करना, यहाँ पे क्या बच जाएंगे, बैलेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज हो जाएगी। अब देखना बच्चे नेक्स्ट, बच्चे आपको एक जरा सी नई चीज और बता रही हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई चीज आ रही है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा रुकना पड़ता है बार बार सबसे पहले। अब देखना बच्चे, अब जो मैं एक एक्सपेंस के बारे में बता रही हूं, आप खुद बताना कि ये ऑनर से रिलेटेड होना चाहिए या आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है जैसे ए बी सी थ्री पार्टनर्स है, इसमें से जो ए पार्टनर है ना, ए पार्टनर्स के पास अपनी बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसने अपनी बिल्डिंग बिजनेस में यूज करने के लिए दी है। आपको पता है हम अकाउंट किसकी तरफ से बनाते हैं, बिजनेस की तरफ से। एवरीबॉडी इज सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस, ऑनर भी बिल्कुल बिजनेस से सेपरेट है। अगर इसने अपनी बिजनेस में बिल्डिंग यूज करने के लिए दी है, तो बिजनेस इस बिल्डिंग में ए को क्या देगा, रेंट। ठीक है, आप देखो अगर बिजनेस बिल्डिंग ये किसी बाहर वाले से लेता तो बिजनेस को डेफिनेट क्या देना पड़ता, रेंट। लेकिन इसने जो बिल्डिंग यूज करने को दी है तो एज ए ऑनर नहीं कि इसको रेंट नहीं मिलेगा, ऑनर बिल्कुल बिजनेस से सेपरेट है। अगर इसने बिजनेस में बिल्डिंग यूज करने के लिए दिया तो बिजनेस इसे रेंट देगा, और रेंट देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। लेकिन इसने जो बिल्डिंग यूज करने के लिए दी है एज अ ऑनर नहीं दी, एज अ आउटसाइड पार्टी दी है, तो बिजनेस को इसको डेफिनेट क्या देना पड़ेगा, रेंट। और रेंट देना, पार्टनर को रेंट देना, ये ऑनर से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है बिजनेस का। तो ऑनर से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है तो रेंट भी बच्चे कौन से अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा तो बेशक से बिजनेस में क्या हो जाए, लॉस हो जाए, रेंट तो देना पड़ेगा। और जिसको मैंने कह दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ये एक्सपेंस, तो वो कंपल्सरी होता है देना। तो रेंट भी कैसा एक्सपेंस है, चार्ज ऑन प्रॉफिट, मतलब हर हालत में देना पड़ेगा इन केस ऑफ लॉस, बेशक से बिजनेस में क्या हो जाए, लॉस। सिर्फ थ्री एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो लॉस के केस में नहीं दिए जाते, एप्रोप्रिएशन वाले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। ठीक है, लेकिन रेंट टू अ पार्टनर, पार्टनर को जो बिजनेस रेंट दे रहा है, रेंट जो दे रहा है वो एज अ आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड दे रहा है, कि अगर हम बाहर से लेते बिल्डिंग तो हमें रेंट तो देना पड़ता, तो लेकिन इस बार बिल्डिंग किसने यूज करने के लिए दे दिया, पार्टनर ने, तो उसको रेंट देना बिजनेस के लिए आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड एक्सपेंस है। दैट्स व्हाई रेंट पेड टू पार्टनर इज रिटर्न इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज अ कंपल्सरी एक्सपेंस। और जो एक्सपेंस कंपल्सरी होता है तो उस एक्सपेंस को हम कहते हैं कि रेंट पे टू अ पार्टनर इज अ चार्ज ऑन एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस चार्ज ऑन एक्सपेंसेस होते हैं विल बी रिटर्न इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कहां लिखे जाते हैं वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो देखना बच्चे ध्यान से, और प्लस ध्यान रखना ये रेंट या तो हम पार्टनर को कैश देते हैं, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते, ठीक है, ये हमें उसे पार्टनर को कैश देते हैं, या तो रेंट टू कैश होगा, बिजनेस पार्टनर को ये रेंट कैश ही देता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पेड नहीं लिखा तो ये रेंट पे होना बाकी है। ठीक है, तो रेंट देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन अभी पे नहीं हुआ तो बिजनेस की क्या इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी। तो किस नाम से क्रिएट हो जाएगी लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। वो आपको लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, रेंट पेड है तो रेंट कैश कर देना, लेकिन ये रेंट बिजनेस पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में नहीं देता, कैश ही देता, वो कब तक उसके अकाउंट में होगा। तो ये चीज आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड है तो कैश नहीं दी जाती है। ठीक है, तो अब देखना आपका रेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहा है, उसमें हम देखते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, देखना बच्चा 19 इलस्ट्रेशन।
आकांक्षा एंड समीक्षा आर इन पार्टनरशिप. बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन बाय अक्षरा ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 5,000. कह रहा है बिजनेस उस बिल्डिंग में चल रहा है जो किसने दी है, अक्षरा ने, और कितने रेंट पे, 5,000 पर मंथ. अक्षरा इज एंटाइटल टू सैलरी 40,000 पर क्वार्टर. क्वार्टर कहते हैं बच्चे 3 months को, तो ध्यान से देखना इसे. समीक्षा टू गेट कमीशन 4% ऑन नेट सेल. समीक्षा को कमीशन मिलता है नेट सेल पे 4%, विच वर ड्यूरिंग द ईयर 50 lakh. सेल आपको 50 lakh दी है. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वॉज 6 lakh. रेंट देने से पहले प्रॉफिट दिया हुआ है 6 lakh. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018. तो आपको पूरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बच्चे आपको, ठीक है. तो देखना एक बारी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऑनर से रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं. तो अगर आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है तो आपको पहले बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखना बच्चा आपको बनाना है. अब इसके अंदर आपको पता है रेंट देना है, तो अप्रोप्रिएशन से पहले कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है. देखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग For the year ending 31st March 2018, इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. For the year ending 31st March 2018, ठीक है. कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना तो आपको नीड नहीं है, लेकिन कैपिटल अकाउंट कहता है तो हमें अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होता है. अब बताओ सम स्टार्ट करने के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए होता है, सबसे पहले 6 lakh, तो यहां लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 6 lakh, ठीक है. क्यों लिखी था क्वेश्चन में, आपको पता है आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड एक एक्सपेंस है रेंट, ठीक है. तो हमें पार्टनर को कितना रेंट देना है, 5,000 पर मंथ है, तो पूरे ईयर का कितना हो जाएगा बच्चे, 60 टू रेंट 60. सिक्स लैख 540 ये आया नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब आपके पास आगे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस. तो मेरे पास आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आया, आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो भी मेरे पास प्रॉफिट आया, ठीक है, तो ये अब ऑनर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर अब आप क्या कर पाओगे, लेस कर पाओगे, ठीक है. देखना उसके बाद कह रहा है अक्षरा इज एंटाइटल टू सैलरी 40,000 पर क्वार्टर. साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 40,000 पर क्वार्टर, तो 160. तो सैलरी किसको मिल रही है, अक्षरा को 160 पर क्वार्टर, ठीक. उसके बाद कह रहा है समीक्षा इज एंटाइटल टू कमीशन. समीक्षा को क्या मिलता है, कमीशन टू कमीशन समीक्षा. और किस पे डिपेंडेंट है, वो सेल पे डिपेंडेंट है.
तो 50 लाख सेल है, 50 लाख सेल पे 4% 2 लाख, 2 लाख बस। आपके पास और कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, यहाँ पे इनकम नहीं है। उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करो, 540 में से ये 360 आप क्या कर देना, लेस कर देना, आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है बच्चे 180, ठीक है। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स के नाम क्या थे, अक्षरा एंड समीक्षा, अक्षरा एंड समीक्षा। क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है, तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो 90 इसके 90 इसके। अब मेरी बात को एक चीज ध्यान से सुनना, ये जो मैंने सम सॉल्व किया ना, ये बुक में एक बार ध्यान से सुनना, जो आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसने क्या किया हुआ है, उसने क्या किया यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है। उसने क्या किया यहाँ पे, ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस लेके 6 लाख, और जो आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड एक्सपेंस था वो यहीं से लेस कर दिया, रेंट 60,000। आप मुझे बताओ, लिखा तो 540 ना, लेकिन आपके पास ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। कई बार अगर क्वेश्चन में नहीं कहता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, या तो आप प्रॉफिट है ऑनर से रिलेटेड, आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, तब आगे लेके आओ प्रॉफिट। लेकिन कई बार बुक में ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या किया हुआ, प्रॉफिट यहाँ लिख के जो आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो यहाँ से क्या कर देता है, लेस आया, तो वही 140 ना। तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी कर सकते हो, इसे इस मेथड से भी कर सकते हो, एज यू विश, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट, हम जो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज अभी इतना करेंगे, ठीक है बच्चे।